बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे SPI प्रोटोकॉल के बारे में। SPI प्रोटोकॉल को सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको किस तरीके से हम CRO से DSO से चेक करते हैं, इस पर बात करेंगे। वो दिखाएंगे कि हम इन्हें कैसे चेक करते हैं। आपके सामने ये जो दिख रहे हैं ये वे फॉर्म है SPI की। SPI एक बहुत लंबा टॉपिक है ECM के अंदर। SPI क्या है, इसकी कंप्लीट जानकारी चाहिए आपको तो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। और इसकी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चलती हैं। जो भाई ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो वर्कशॉप की लाइन में हैं और अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, या कोई भाई जो किसी इंस्टीट्यूट से क्लास लिए हैं अभी भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत से इंस्टीट्यूट के बंदे ऐसे होते हैं उन्हें तो ये भी नहीं मालूम होता कि SPI होता क्या है, तो इन सारे डॉट्स को उन्हें क्लियर करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम ये SPI प्रोटोकॉल को चेक करते हैं, इसी किस तरह से वेवफॉर्म बनती है। ICSM चेक करते हैं, इसका नंबर है इन्फेनियन TLE6244X, राइट। तो इसकी जो कम्युनिकेशन की पिंस है, जो इसमें SPI इंटरफेस जो यूज़ किया गया है, तो उसकी जो पिंस हैं वो इसमें 53 पिन है जो सीरियल आउटपुट के लिए यूज़ की गई है, 54 है SPI क्लॉक के लिए यूज़ की गई है, 55 है सीरियल इनपुट के लिए यूज़ की गई है, और 56 जो है वो स्लैब के लिए यूज़ की गई है। तो आइए देखते हैं इसमें। तो इसमें पहली पिन जो है वो 53, ये सीरियल आउटपुट की पिन है, और इस पर देखते हैं क्या सूरत हाल है। ठीक है, पिन नंबर 53, तो इस पर ये सीरियल आउटपुट का सिंबल आ रहा है ये, ठीक है। इसके बाद अब हम दूसरी पिन चेक करते हैं SPI क्लॉक, पिन नंबर 2, ये क्लॉक है, एक पट्टा सा आता है ये मोटा सा, ठीक, ये क्लॉक हो गया। ठीक है, ये क्लॉक है। अब हम सीरियल इनपुट दिखाते हैं आपको, ये रहा सीरियल इनपुट, जब कम्युनिकेशन होता है तो ये काफ़ी भरा भरा नज़र आता है, इस समय कम्युनिकेशन है नहीं तो ये हल्का सा नज़र आ रहा है। लास्ट में स्लैब पर आ जाइए, जो स्लैब, फिफ्टी सिक्स है, डाटा पे हमने ये रखा, ये डाटा आ रहा है और ये क्लॉक हो गया। ठीक है, डाटा और ये क्लॉक,